हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आराधना और आज हम बात करने वाले हैं सही ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। जैसा कि आप अपने सामने दो ग्राफ देख सकते हैं, एक यूके का है और एक इंडिया का है, जिसमें हमने कंपेयर किया है कि वहाँ पे कितने लोग कितनी बार ब्रश करते हैं और इंडिया में कितनी बार करते हैं। तो इट्स वेरी क्लियर कि यूके में 72% लोग ऐसे हैं जो दिन में दो बार ब्रश करते हैं, 23% लोग ऐसे हैं जो दिन में एक बार ब्रश करते हैं, 2% लोग ऐसे हैं जो ऑल्टरनेट डेज रोज नहीं करते पर ब्रश करते हैं, और 2% लोग ऐसे हैं जो कभी ब्रश नहीं करते। बट व्हेन इट कम्स टू आर इंडिया, 44% लोग ऐसे हैं जो ओकेजनली ब्रश करते हैं, 33% लोग दिन में एक बार ब्रश करते हैं, 23% लोग हैं जो दिन में दो बार ब्रश करते हैं, और दो से ज्यादा बार ब्रश करने वालों का नंबर है 0%। ब्रशिंग टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात में खाना खाने के बाद। जो ब्रश हम यूज करेंगे उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए। हमें अपने ब्रश को हर 3 से 4 महीने में बदल देना चाहिए। हमें 2 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए, इसका मतलब 2 मिनट सुबह 2 मिनट रात इज मोर देन एनफ। हमारा जो टूथपेस्ट है वो एब्रेसिव नहीं होना चाहिए। एब्रेसिव से मेरा मतलब है कि टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का एक केमिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आप अपने टूथपेस्ट का इंग्रेडिएंट चेक करिए, अगर उसमें ये प्रेजेंट है केमिकल तो वो बिल्कुल भी मत खरीदिए। और अगर आप बच्चों के लिए टूथपेस्ट ले रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसमें फ्लोराइड ना हो, क्योंकि फ्लोराइड दांतों के लिए तो अच्छा होता है पर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हार्मफुल है। लास्ट है फ्लॉसिंग। ब्रश के बाद फ्लॉस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दांतों के बीच में ब्रश नहीं पहुंच पाता है, फ्लॉसिंग है जो इस चीज में हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें ब्रश करना कैसे है। ये मेरे एक पेशेंट की कास्ट है जिसका मैंने इम्प्लांट लगाया था। ये ऊपर के दांत हैं और ये नीचे के दांत हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नीचे के दांतों में कैसे ब्रश करना है। ये हमारा ब्रश है, इसे हमें दांतों पे 45 डिग्री एंगल पे रखना है। अब कहाँ रखना है ये कैसे देखें? ये हमारा मसूड़ा है, जो हमारा ये गम लाइन होता है, यानी जो ये मसूड़ा होता है, हमें इस पे ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे रखना होता है ऐसे। उसके बाद 20 बार आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करना होता है और 3 बार बाहर की तरफ स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, और एक बार में हम 3 दांत लेते हैं। ऐसे ही हम 3 दांत लेंगे, इधर इधर इधर, और अंदर की तरफ भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। जब हमारे इस एरिया की बात होती है तो यहाँ पे ब्रशिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ब्रश को वर्टिकल पकड़ना है, टू एंड फ्रो मोशन करके बाहर ऊपर की तरफ करना है, तो जो भी गंदगी होगी वो बाहर आ जाएगी। सेम चीज हमें ऊपर के दांतों के लिए करनी है, सेम इधर करेंगे, सेम 3 3 दांतों पे करेंगे, और इधर के स्पेस के लिए, जगह के लिए, दांतों के लिए हम वर्टिकल पकड़ेंगे ब्रश को फिर से और ऐसे करके बाहर की तरफ मोशन करेंगे। ये सही तरीका है ब्रशिंग करने का। आई होप आप सबको समझ में आया हो, आप इसे जरूर फॉलो करिए।